कुरुक्षेत्र अखिल भारतीय किसान सभा के किसानों ने जिला कुरुक्षेत्र सचिवालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। संतोष दहिया ने भी किया धरना प्रदर्शन। मैंने कहा 1.5 साल हो गया, आप घर में कैसे रख रहे हो इसको? ने बोले जामा करे, हॉस्पिटल में जाते ही अगला नाड़ी पकड़ के 500 रुपए मांगेगा, किस हॉस्पिटल में लेके जाएंगे? ऐसे हालात आज किसान के हैं। साथियों, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। 1 लीटर पानी जो बोतल में बिकता है कितने रुपए का है? 20 रुपए का। एक बोतल 20 रुपए की मिलती है पानी की। और साइंस ये कहती है 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए कम से कम 5 लीटर पानी चाहिए। 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए 5 लीटर, 5 लीटर पानी का मतलब हुआ 100 रुपए, सीधी सी बात है। और 1 किलो गेहूं की कीमत क्या है? 17 रुपए। 5 लीटर पानी की कीमत क्या है? 100 रुपए। अभी मैंने आपके बीज की बात नहीं करी, अभी मैंने आपके खाद की बात नहीं करी, मैंने आपकी जमीन की बात नहीं करी, और मैंने आपकी उस मेहनत की बात नहीं करी जिसमें अगर तपती हुई गर्मी में कोई काम करता वो किसान करता है, अगर ठिठुरती हुई सर्दी में कोई काम करता है वो किसान करता है। आ गया, मैं भी आ गया। ये तो हमारी बहुत सी लड़ाइयां लड़ती है, लेकिन हम मनके में आए, ये लोगों को ना कहें कि लोग चुने, लोग तो चुने इन्होंने, लोग आवारा नहीं होने चाहिए, राजनीतिक इनकी सूझ होनी चाहिए, राजनीतिक सूझबूझ से ही ये कुछ पैदा करेंगे। इनको नई राजनीति मत दें, पहली राजनीति है जमाती से कर। एक तरफ अमीर की लड़ाई है, एक तरफ गरीब की लड़ाई है। अपने गरीब की लड़ाई के नुमाइंदे पहचानो, पार्टी पहचानो, यही एक लड़ाई है। इस लड़ाई को समझ ना देने की बात करते हैं कई लोग, के और बीच में से कोई उखड़ जाए कि इधर की लड़ाई जो वर्ग संघर्ष है, जो गरीब और अमीर की। हाँ जी मैम, ये जो आज हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो भी जी देखिए, किसान की हालत वक्त से बदतर होती जा रही है, और सरकार ने ये वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, लेकिन सरकार के 4 साल गुजर गए हैं, अभी तक स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात भी नहीं करते वो, लागू करने की तो अलग बात है। तो इसलिए आज लोग आए हुए हैं यहाँ, वो चाहते हैं कि किसानों के लिए समर्थन मूल्य दिया जाए और स्वामीनाथन आयोग लागू किया जाए। यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर भी हैं, आशा वर्कर भी हैं, महिलाओं की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार के सामने कई सारे फ्रंट आज इकट्ठे होकर कई सारे संगठन नेशन न्यूज के लिए कुरुक्षेत्र से संजीव कुमार के साथ शिव चरण तंवर की रिपोर्ट। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।